वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर जसवंत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यानी एरीन की बात करें तो इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारी बातें निकल कर आई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो मॉलिकुलर फॉर्मूला देखने को मिला। सबसे पहले अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सबसे पहला पॉइंट निकल कर आया कि इसका आखिर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, वो निकल कर आया C6H6। जब बात आई C6H6 की तो आज तो हमें पता है, इसलिए हम बेंजीनिंग को तुरंत बना देते हैं। आप स्टार्टिंग की बात करके चले, स्ट्रक्चर जब नहीं था बेंजीन का तो क्या सोचा होगा लोगों ने, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। तो C6H6 को आज डायरेक्ट लेकर रिंग बना देते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारी कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस सामने आई। तो C6H6 को लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए। जब हमें पता नहीं है रिंग है तो हम कैसे रिंग बना देंगे डायरेक्ट, तो हमने ऐसे सिक्स बना दिए और इस तरह से ये कोशिश कर दी कि ये H2 हो गए हैं, H1 हो गया, H1 हो गए, और इस तरह से ये हमने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। एक H ये हो गया और एक H ये हो गया, तो H1 2 3 4 2 6, तो यहाँ पर बात निकल गई आई कि C6H6 तो ये भी बन गया है। सोचने की बात है, पहले तो क्या मालूम, डायरेक्ट थोड़ी दिमाग में आ गया कि रिंग ही होगी। तो जब C6H6 अरेंज करना पड़ा तो यहाँ पर नो डाउट कि ये C तो 6 हैं और H भी 6 है, तो क्या ये बेंजीन के लिए हम सही मान लें। फिर कईयों ने इस तरह से प्रैक्टिस की, एक जना ने ऐसे भी प्रैक्टिस कर ली कि ये बना दिया जाए, देखे ज़रा ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, कार्बन के नंबर्स तो उतने ही रख दें, 1 2 3 4 5 6, एक एच ये हो गया, एक एच ये हो गया, बीच में दो आ गए, बीच में दो आ गए। तो एक ने कह दिया कि देखो मैंने तो C6H6 बना दिया है, इज इट करेक्ट फॉर बेंजीन, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। फिर एक्सपेरिमेंट किए गए कि यार जब C6H6 है तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो हम बेंजीन जिसको कह रहे हैं C6H6 है, क्या उससे मैच हो गई क्या इसकी प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से स्टडी किया गया, पता लगा इसकी जो प्रॉपर्टी, इस जो स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर पा रही, इसलिए इन स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दिमाग में एक साइंटिस्ट ने कहा कि इनकी स्ट्रक्चर तो रिंग टाइप हो सकती है भाई, बीच बीच में बहुत सारे कंसेप्ट आए, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ए रिजेक्ट, बी रिजेक्ट। फिर किसी ने कहा कि रिंग टाइप हो सकता है, तो रिंग स्ट्रक्चर के नाम से नेक्स्ट स्टडी किया गया। मैं सेकंड को मैं कह रहा हूँ रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में दिमाग लगाया गया, रिंग स्ट्रक्चर क्या बना। तो कैलकुले से पहले भी सोचने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट ऐसा बना रहा है रिंग बनाना है तो हमें ऐसे बना दे, क्या प्रॉब्लम आएगी रिंग बनाने में, ये लो रिंग बना दिया गया, डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया गया, यूं बना दिया गया, यूं बना दिया गया, देखे ज़रा कार्बन ये है, कार्बन ये है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ये। दिमाग में वो एकदम तो नहीं आया जो आज डेट में, क्या ये रिंग नहीं है, है क्या इसमें C6H6 नहीं है, यस है C6H6। तो फिर वही बात मैचिंग वाली बात आई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे मैच की गई जिसको हम लेकर बैठे गए बेंजीन है, तो पता लगा वो प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई तो ये स्ट्रक्चर भी हटा दिया गया, ये प्रॉपर्टी मैच नहीं स्ट्रक्चर हटा दिया। फिर चलकर साइंटिस्ट आए कैकुले, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, कैकुले ने अपना दिमाग लगाया और रिंग स्ट्रक्चर जो बनाई है उसको थोड़ा सा चेंज किया और दिमाग लगाए, तब ये जाकर ये स्ट्रक्चर बनी कैकुले स्ट्रक्चर, जिसको आज हम कैकुले स्ट्रक्चर कह रहे हैं।
तो कैलकुलर ने दो स्ट्रक्चर दी है, इसमें क्या डिमेरिट्स होंगी क्या मेरिट्स होंगी उसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलर फर्स्ट और कैलकुलर सेकंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैच इसलिए नहीं होता कि इनकी 1 2 3 और 1 2 3 दो तरह के कार्बन की प्रॉपर्टी दिख रही है, कार्बन दो तरह के नेचर वाले दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में ये बात पूरी होगी कि कार्बन सबके कार्बन एक जैसे हैं तो सबकी नेचर एक जैसे हो गई। तो ये कैलकुलस स्ट्रक्चर दी गई कि ये आपस में इस तरह से बदलते रहते हैं, ये दो स्ट्रक्चर हैं। उन्होंने बस इतनी बात जरूर कही थी कि ये रिजिड है एक स्ट्रक्चर और दो स्ट्रक्चर, उन्होंने ऐसा कन्वर्जन वाली बात ज़्यादा नहीं बताई, तब तक रेजोनेंस की बात भी कोई क्लियर नज़र नहीं आई। फेलियर क्या हुआ, फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने इसका लेंथ और इसका लेंथ एकदम जैसा सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है वही डबल बॉन्ड का लेंथ होता है वही बात की उन्होंने। बाद में पता लगा कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कोई मॉलिक्यूल ले लिया जाए और ये जो डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल है इसकी डबल बॉन्ड की लेंथ और इसकी डबल बॉन्ड की लेंथ में काफ़ी डिफरेंस मिला, तो कैलकुले की स्ट्रक्चर को उस समय फिर रिजेक्शन दिया गया और बहुत सारे ऐसे फेलियर थे और काफ़ी कुछ तक हद तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद दिया गया एरोमेटिक सेक्सेट थ्योरी, इसमें ये बताया गया कि कार्बन कार्बन चेन तो है ही, रिंग तो बन रही है और हर एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन है जो 6 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसको हमने सेक्सेट कह दिया। तो ये स्टेबिलिटी वाइज थोड़ा सा प्रमाण दे रहा था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को एक बार के लिए तो अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहे आगे इसको स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर देने में। फिर उसके बाद साइंटिस्ट डेवार ने भी कोशिश की और डेवार ने भी अपने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन कैलकुले से थोड़ा डिफरेंट थे, लेकिन बाद में केमिकल प्रॉपर्टी वाइज इनमें कोई चांस नहीं बना, मैच नहीं हुआ कि ये बॉन्ड इस तरह से बना दिया इन्होंने, इस तरह के बॉन्डिंग बनाने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग भी इनकी कार्बन की सिमिलर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे, इसलिए इसको भी यहाँ पर रिजेक्शन मिला। तो हम ये बात मान कर चल रहे हैं कि ये जो प्राइमरी लेवल की बातें हैं ये हमने हालांकि 12th क्लास में बड़े अच्छे से 11th क्लास में पढ़ लिया था, आप उसको उस लेवल से स्टार्ट करके और नोट्स बनाए लिखें, मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया आपको। लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है कि हालांकि जब ये कैलकुले की बात आई तो ये जो मैंने बताया कि इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड फिक्स लेंथ बताई जैसे कि डबल बॉन्ड में होती है, ऐसा नहीं था, इनकी सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल मिली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कहकर चल रहे हैं वो बात पूरी हुई रेजोनेंस से। और रेजोनेंस को समझने वाली थ्योरी थी MOT, रेजोनेंस को MOT के बेस पर समझाया गया। MOT में हर कार्बन पर ये जो कार्बन बनाए गए हैं इन हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन देकर और स्ट्रक्चर बनाए गए जिसमें ओवरलैपिंग और हाइब्रिडेशन का रोल रहेगा। उस स्ट्रक्चर को भी आपने लोअर क्लासेस में हाइब्रिडेशन वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। तो स्टूडेंट एक बार के लिए आप इसको MOT बेस पर इन स्ट्रक्चर को बना लें, एक रिंग ऊपर बन रही है एक रिंग नीचे बन रही है कार्बन 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 पर ओवरलैपिंग दिखाते हुए, जो एडजेसेंट कार्बन हैं उनके जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड को इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं और इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इस बेस पर दोनों चांसेज हो सकते हैं कि पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है, पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? MOT एक्सप्लेन कर रही है। तो इस बेस पर आप एक बार इनको अच्छी से प्रैक्टिस करें ताकि ये जो सिंपलेस्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। मैं इसको आप एक ब्रीफिंग में मैंने मोड में दे दिया, इन हेडिंग्स में आप इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और इस हेडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी नोट्स बनाने के लिए बुक की टोटल हेल्प ले लें और मेरे द्वारा जो PDF भी भेजी जा रही है वो मैं शेयर करूँगा, उसको आप लेकर
और बढ़िया तरीके से आप अपने नोट्स बना लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बहुत ही क्लियर रहेगा और ये पॉइंट भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थैंक यू वेरी मच।